नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड की कुछ खबरों का, तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। सरकारी के बाद प्राइवेट क्षेत्रों में भी पिछड़े महिलाएं, रोजगार मेले में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। उत्तराखंड पुलिस जवानों के लिए ड्यूटी को बने नए नियम, मोबाइल हेडफोन या अन्य ब्लूटूथ डिवाइस गले में टांगने पर पुलिस विभाग ने लगाई रोक। लड़की पर तेजाब फेंकने की दे डाली धमकी, जेल से छूटते ही सरफिरा आशिक फिर हुआ गिरफ्तार। अब चूहा बताएगा कि कौन सी गैस का हुआ था रिसाव, एसडीएम सहित कई लोग अस्पताल में हुए थे भर्ती। विधानसभा बैकडोर भर्तियों पर स्पीकर रितु खंडूड़ी की सख्ती, बीजेपी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दिख रहे असहज। हेट स्पीच में सरेंडर के बाद वसीम रिजवी को भेजा गया जेल, जिला कारागार की तन्हाई बैरक में कटी रात। यूके चपरासी पेपर लीक मामले में एक और आरोपी लाखों के रुपए के साथ गिरफ्तार, एसटीएफ की अब तक 34वीं गिरफ्तारी। पढ़ाई के साथ साथ जॉब करने वाली लड़की के साथ टैक्सी चालक ने की दरिंदगी, शादी का झांसा देकर किया रेप। सेल्फी के शौक ने ली युवक की जान, फोटो खींचते वक्त डैम में गिरने से हुई दर्दनाक मौत। यूट्यूबर बॉबी कटारे के खिलाफ पुलिस जारी करेगी लुकआउट सर्कुलर, 25,000 का इनाम हो चुका है घोषित। उत्तराखंड की मुख्य खबरों में बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।